नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी ऋण बकायेदारों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार की एक ऐसी योजना है, सरकार की एक ऐसी स्कीम है, जो लोग अपने कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों का सरकार यहाँ पर 70% कर्ज माफ कर देगी। बचा हुआ 30% अमाउंट आपको जमा करना है और आपका जो लोन खाता है वो बंद हो जाएगा, यानी आप कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे, यानी आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। कुल मिलाकर के आसान शब्दों में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपका 10 लाख रुपया आज की डेट में बकाया है तो आप सिर्फ 3 लाख रुपए जमा करके कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपका 5 लाख रुपए बकाया है तो आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए जमा करके कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे, आपका लोन खाता बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग बहुत अधिक परेशान हैं, उनके पास बैंक से फोन कॉल्स आती हैं रिकवरी के लिए, बैंक दबाव बनाता है, वसूली एजेंट आते हैं, साथ ही बैंक से नोटिस आता है, तो ऐसे लोग बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं कि हम अपने कर्ज की अदायगी कैसे करें। वो लोग करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। उन्होंने अगर केसीसी लोन ले रखा है, अपनी फसल में पैसा लगाया, उसके बाद फसल तबाह हो गई प्राकृतिक आपदा में, या फिर किसी व्यवसाय के लिए किसी ने लोन लिया तो उसका व्यवसाय चल नहीं पाया, उधारी अधिक हो गया, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं लोगों के सामने, तब वो अपने लोन की अदायगी नहीं कर पाते। वैसे ज्यादातर लोग ये मानसिकता नहीं रखते कि हम बैंक से पैसा लेंगे और वापस नहीं करेंगे, ऐसी मानसिकता नहीं होती है लोन लेते समय, लेकिन बाद में उनकी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो अपने लोन की अदायगी नहीं कर पाते हैं, यानी उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो लगातार मिस होती जाती है। तो ऐसे में सरकार समझती है उन लोगों की समस्याओं को कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेडिकल इशू के चलते बहुत अधिक आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, उनकी पहले आर्थिक स्थिति ठीक थी, अब जाके आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार की एक योजना है जिसके तहत आप लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और कम से कम अमाउंट जमा करके अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी लोन खाता एनपीए हो चुका है, आप भी अपने कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, बैंक आपको लगातार परेशान कर रहा है, फोन कॉल्स आ रही है, रिकवरी एजेंट आ रहे हैं आपके पास, नोटिस आ रहे हैं आपके पास, आपकी रातों की नींद हराम है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जरूरी चीजें सीखने को मिलेंगी और जो प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत ही कम अमाउंट जमा करके कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को पूरी जानकारी दें कि सरकार की कौन सी योजना है, कैसे आवेदन करना है, कहां पर आपको जाना होगा ताकि आपको कम से कम अमाउंट जमा करना पड़े और आपका लोन खाता बंद हो जाए। तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सरकार की एक योजना है एकमुश्त समाधान योजना। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप लोग इंग्लिश में सेटलमेंट स्कीम समझते होंगे या फिर बैंकों में आप लोग गए होंगे तो ओटीएस नाम से आपको स्कीम एक सुनने को मिली होगी, यही है एकमुश्त समाधान योजना, यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। आपको यहाँ पर लोन का सेटलमेंट करने की सरकार व्यवस्था करती है, साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सरकार करती है। इस तरह के जितने भी मामले होते हैं, जो लोन खाते एनपीए हो चुके हैं, जिनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, ऐसे सभी लोगों को जो बैंक होता है वो सेटलमेंट स्कीम में डाल देता है। उसके बाद राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले पहुंचते हैं, वहां पर आपको उपस्थित होना होता है और आपका जो समझौता है वो मिनिमम 30% अमाउंट पर भी हो जाता है। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो मैक्सिमम क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका 1 लाख रुपया बकाया है आज की डेट में तो बैंक कोशिश करता है कि मुझे जो ब्याज इसके ऊपर का बन रहा है वो ना मिले, लेकिन मुझे जो 1 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो मुझे मिल जाए। लेकिन जब आप बार्गेनिंग करते हैं, उनसे बताते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम 1 लाख रुपए भी नहीं दे पाएंगे, उस स्थिति में बैंक आपसे बोलता है 80% दे दीजिए, 70% दे दीजिए, 60% दे दीजिए, और यहां तक कि 50% अमाउंट पर भी समझौता हो जाता है। यानी अगर आपका 1 लाख रुपया बकाया है, उस दशा में बैंक आपसे बोलता है कि सिर्फ आप 50,000 रुपए हमें दे दीजिए, हम आपका लोन खाता क्लोज कर देंगे। और कभी कभी जब खाताधारक की मृत्यु हो चुकी होती है, उस दशा में जब उनके जो वारिस होते हैं, जो लीगल हियर होते हैं, जो वो लोग जब बैंक पहुंचते हैं उस लोन को अदा करने के लिए, तो बैंक यहां तक कहता है कि 30% अमाउंट भी अगर आप दे देंगे तो हम आपके लोन खाते को बंद कर देंगे। तो वहां पर आपको काफी सारा बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 14 सितंबर है, आने वाला 14 सितंबर आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, हर 3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है। पहली लोक अदालत मार्च में होती है, उसके बाद फिर जून में होती है, फिर सितंबर में होती है और फिर दिसंबर में होती है। प्रतिवर्ष साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है पूरे देश में, हर जिले में
आपके जिले में जहां भी कचहरी होगी, जहां आप जाएंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहां पर किया गया है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। जिन लोगों के लोन खाते एनपीए हो जाते हैं उनको बैंक की तरफ से एक नोटिस खुद ही मिल जाता है, एक नोटिस आपको नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां से भी मिल जाता है, या फिर बैंक से आपको कॉल आ जाएगा कि 14 सितंबर को आपके खाते को भेजा गया है, आप राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंच करके अपने खाते का समझौता कर लीजिए। तो वहां पर जज साहब बैठते हैं, वहां पर आपको जाना है, अपनी पूरी बात बताना है कि किस वजह से आप अपने लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, किस वजह से आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, आपके साथ कोई मेडिकल इशू हो गया था, या फिर आपकी फसलों पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी, या फिर आपका व्यवसाय किस वजह से बंद हो गया, जिस वजह के चलते आप अपने लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, आपका लोन खाता डिफॉल्ट क्यों हुआ है, जो भी रियलिटी हो आप उन्हें बताइएगा। जब आप उन्हें सारी चीज बताएंगे तो आपका जो समझौता है वो बैंक के साथ कर दिया जाएगा। ये समझौता आप बैंक जाकर के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप राष्ट्रीय लोक अदालत में जाएंगे तभी आपका समझौता होगा। आप चाहे तो अपने जो भी बैंक है, जिस बैंक से आपका लोन चल रहा है, उस बैंक के शाखा प्रबंधक के पास जाएंगे, उनसे आप पूरी बात बताएंगे तो भी आपका उतने ही अमाउंट पर समझौता हो जाएगा। अब बात आती है कि कौन लोग समझौता कर सकते हैं, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं जिनके भी लोन खाते एनपीए हैं सिर्फ उन्हीं लोगों का यहां पर समझौता होगा। जिन लोगों के खाते स्टैंडर्ड कैटेगरी में हैं, सही चल रहे हैं, वो लोग अपने लोन खाते की सेटलमेंट नहीं कर सकते। सेटलमेंट उन्हीं खातों का किया जाता है जो खाते एनपीए की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो अगर आपका लोन खाता एनपीए है, आप परेशान हैं, बैंक आपके ऊपर दबाव बना रहा वसूली का, तो 14 सितंबर आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। 14 सितंबर को से पहले अगर आप चाहें तो अपने बैंक चले जाएं, वहां से समझौता कर लें। अगर 14 सितंबर को ही आप जाना चाहते हैं तो आप अपने जिले के राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंच जाइए, हो सकता है आपको नोटिस मिल चुका हो, नहीं मिला है तो आने वाले 2-3 दिनों में आपको नोटिस भी मिल जाएगा, यानी 14 सितंबर से पहले आपको नोटिस मिल जाएगा। वहां पर पहुंच करके आप अपने कर्ज की अदायगी कर सकते हैं, यानी लोन का समझौता कर। जब आप वहां पर समझौता करने जाएंगे, अपनी बैंक की पासबुक, अपना आधार कार्ड लेकर के जाएंगे, साथ ही आपको कुछ अमाउंट भी साथ में लेकर जाना है, क्योंकि जब आप समझौता होगा आपके और बैंक के बीच में, मान लीजिए आज से 7 साल पहले आपने बैंक से केसीसी लोन लिया था 50,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 7 साल पहले आपने 50,000 रुपए बैंक से केसीसी लोन लिया था। केसीसी लोन 3 साल से पहले एनपीए नहीं होता है, 3 साल में जब आपका लोन खाता एनपीए हुआ उस दशा में आपके खाते की जो बकाया राशि थी वो थी 70,000 रुपए। नॉर्मली 50,000 का 3 साल में लगभग 70,000 के आसपास हो जाएगा, मैंने मोटा मोटा इसे पकड़ा है, तो 70,000 के आसपास आपका बैलेंस हो जाएगा। उस दशा में जब आपका लोन खाता एनपीए हो गया तब से आपके खाते में ब्याज लगना बंद हो गया, वो 70,000 पर ही रुका हुआ है, यानी कि ब्याज तो लग रहा है लेकिन आपके अकाउंट में ऐड नहीं हो रहा है। जब आपका कोई भी लोन खाता एनपीए हो जाता है तो उस खाते में ब्याज ऐड होना बंद हो जाता है, ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं, ब्याज कैलकुलेट होता रहता है लेकिन आपके अकाउंट में ऐड नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका जो लोन खाता है वो एनपीए हो चुका है। जैसे ही आप अपने लोन की अदायगी करने जाते हैं तब बैंक आपसे बोल देता है कि अब आपको पूरा ब्याज यहां पर पे करना होगा, तब आपके खाते में ब्याज लग जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए आप 70,000 रुपए आज से 4 साल पहले आपका बकाया था, क्योंकि 7 साल हो गए हैं आपको लोन निकाले हुए, 3 साल में ही 70,000 हो गया था, बाकी के 4 साल में आपके खाते का जो बैलेंस, अगर हम ब्याज की बात करें 13.5% की दर से बैंक अगर ब्याज चार्ज करेगा 70,000 रुपए पर 4 साल में, तो ये लगभग हो जाता है 40,000 रुपए। मोटा मोटा आप लोग जोड़ लेंगे 13.5-14% की दर से, तो ये 40,000 रुपए हो जाता है। अब 70 और 40 को अगर हम जोड़ देंगे तो आज की डेट में आपके ऊपर जो बकाया राशि है वो है 1,10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैंक में खाता बंद करने आज की डेट में जाएंगे, जो आपने 50,000 रुपए आज से 7 साल पहले लिया था उसका आज की डेट में जो बैलेंस होगा वो 1,10,000 के आसपास होगा। अब अगर आप बंद करेंगे तो 1,10,000 आपको पूरे देने होंगे, आपका खाता क्लोज हो जाएगा। वहीं अगर आप इस स्कीम के तहत सेटलमेंट करते हैं उस दशा में दोस्तों, चूंकि बकाया राशि 70,000 है तो आउटस्टैंडिंग 70,000 ही मानी जाएगी आज की डेट में। अब आप समझौता करने जाएंगे, चाहे आप बैंक जाएं या फिर आप राष्ट्रीय लोक अदालत जाएं, यहां पर बैंक आपसे बोलेगा कि हम आपका ऊपर का जो भी ब्याज हो रहा छोड़ दे रहे हैं, आप सिर्फ हमें 70,000 रुपए दे दीजिए, हम आपका लोन खाता बंद कर देंगे। तो दोस्तों वहां पर आपको बोलना है कि नहीं, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है, हम इतने अमाउंट पर समझौता नहीं कर पाएंगे। उस दशा में बैंक फिर आपसे बोलेगा कि जो आउटस्टैंडिंग 70,000 है इसमें से हम आपको 70% में समझौता कर लेंगे या 60% में कर लेंगे। अगर 60% में आपका समझौता हो जा रहा तो दोस्तों 40-50,000 रुपए में आपका समझौता हो जाएगा, और 70% में हो रहा है तो लगभग 50,000 में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका 40-50,000 रुपए के बीच में नॉर्मली समझौता हो जाएगा। बैंक बहुत ही आसानी में 50-60% के बीच में आपका समझौता कर देते हैं, या बहुत ज्यादा है तो 70% में आपका समझौता हो जाएगा। यानी आपको मूलधन ही वापस करना है, जितना आपने लिया था उतना ही आप वापस कर रहे हैं। अगर 70% में भी आपका समझौता हो रहा है तो लगभग 49,000 रुपए में आपका समझौता हो जाएगा। तो क्या करना है आपको कि 49,000 में अगर आपका समझौता होता है तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपए या 5,000 रुपए कुछ आपको लेकर के जाना है। सेम डेट में आपको 5 या 10,000 रुपए डाल देना है, समझौता का जो फॉर्म होता है उस पर बैंक आपसे साइन करा लेगा। उसके बाद आपको 90 दिन का टाइम दे दिया जाएगा कि 90 दिन के अंदर आपको इस लोन को पूरा अदा करना है। अब आप चाहें तो 90 दिन के अंदर इसे किस्तों में जमा कर सकते हैं या फिर एकमुश्त भी आप जमा कर सकते हैं, जो भी अमाउंट बचेगा। अगर 10,000 आप सेम डे जमा कर रहे हैं
टोकन मनी के रूप में, तो 40,000 आपका बचेगा। 50,000 में आपका समझौता हुआ, 10,000 आपने सेम डे जमा कर दिया, 40,000 आपके ऊपर बकाया बचा। 40,000 को आप चाहें तो किस्तों में जमा कर सकते हैं या फिर 90 दिन के अंदर आप एकमुश्त जमा कर सकते हैं, आपका लोन खाता क्लोज हो जाएगा। वहीं अगर आप 90 दिन के अंदर बची हुई 40,000 रुपए की राशि जमा नहीं करते हैं तो आपका यह समझौता रद्द माना जाएगा, यानी यह समझौता जो आपका और बैंक के बीच में हुआ है इसे कैंसिल माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इस तरह से आप लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में या फिर बैंक पहुंच करके 14 सितंबर से पहले पहले आप अगर बैंक जाते हैं तो वहां पर समझौता कर सकते हैं। 14 सितंबर को आप राष्ट्रीय लोक अदालत पहुंच जाइए, वहां पर समझौता कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समझौता जो होता है वो 30% अमाउंट पर भी हो जाता है। होता क्या है कि जब जो खाता धारक होता है, जो बकायेदार होता है, उसकी अगर डेथ हो चुकी है, उस दशा में उसके घर परिवार वाले लोग अगर जाते हैं उस लोन को बंद करने के लिए, वो समझौता करते हैं बैंक से, तो उस दशा में बैंक क्या है कि डिसीज केस देख करके कि पैसा डूबने लग रहा है, ऐसे में 30% अमाउंट पर भी बैंक समझौता कर लेता है। अब 70,000 का 30,000 पर अगर समझौता करेगा तो सिर्फ 20-22,000 रुपए में आपका समझौता हो जाएगा, आपका लोन खाता क्लोज हो जाएगा। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी लोन का सेटलमेंट करते हैं, जिस व्यक्ति का लोन सेटलमेंट हो रहा है उसकी सिविल पर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब क्या बैड इफेक्ट पड़ता है, उससे भविष्य में आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं कि आपको लोन का सेटलमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सारी डिटेल्स मैंने उसमें डिटेल से बताई है, पूरी जानकारी मैंने उसमें विस्तार से दी है कि लोन का सेटलमेंट किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।